हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शंस। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शंस में लाइन करंट कौन सा है, फेज करंट क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, फेज करंट क्या है, और फेज करंट में क्या रिलेशन है, या लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है। और ये अक्सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट में क्या रिलेशन है, या फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशंस है। तो दोस्तों, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज इसकी वीडियो में। और आई होप कि जो अभी तक हम लोगों के बीच में एक डाउट था स्टार डेल्टा कनेक्शंस को लेके, या लाइन वोल्टेज लाइन करंट को लेके, या लाइन वोल्टेज लाइन एंड फेज वोल्टेज को लेके, वो आज सब क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार कनेक्शंस की। तो स्टार कनेक्शंस को हम समझने के लिए हम यहाँ पे तीन वाइंडिंग बनाते हैं। ये हमारी पहली वाइंडिंग है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट RS है और एंडिंग पॉइंट RE है। ये दूसरी वाइंडिंग है जिसमें YS स्टार्टिंग पॉइंट है और YE हमारा एंडिंग पॉइंट है। और ये हमारा तीसरी वाइंडिंग है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट BS है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट BE है। तो स्टार कनेक्शन में जब हम तीनों वाइंडिंग के या तो स्टार्टिंग पॉइंट्स को या फिर हम एंडिंग पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दें तो वो हमारा स्टार कनेक्शन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे इनको क्या किया, एंडिंग पॉइंट को इनके शॉर्ट कर दिया और ये शॉर्ट करके एक वायर निकल गया जो कि हमारा न्यूट्रल कहलाता है। और इन तीनों में हम सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको एक्चुअल स्टार कनेक्शंस के रूप में समझते हैं तो वो किस तरीके से होता है। तो इन्हीं तीनों वाइंडिंग्स को हमें इस तरीके से यूज करते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों के एंडिंग पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट है उनको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये वाला पॉइंट हमारा जो मिड में निकला ये हमारा न्यूट्रल होगा। तो ये हमारा क्या है, आर लाइन है, ये वाई लाइन है और ये हमारा बी लाइन है। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अब हम समझते हैं कि लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट क्या है, या फेज वोल्टेज एंड फेज करंट क्या है। तो इसमें ये हमारे लाइन हो गए, ये हमारा आर हो गया, ये वाई और ये बी लाइन हो गया। तो आर लाइन और वाई लाइन के बीच की जो वोल्टेज होगी वो हमारी होगी वी आर वाई। वाई लाइन और बी लाइन के बीच की जो वोल्टेज होगी वी वाई बी, और बी लाइन और आर लाइन के बीच की जो वोल्टेज होगी वो होगी हमारी वी बी आर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर इज इक्वल टू वी एल, यानी इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो लाइनों के बीच की जो वोल्टेज है, यानी दो लाइनों के बीच की जो वोल्टेज है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज। एक बार फिर देख लेते हैं कि दो लाइनों के बीच की जो वोल्टेज होगी वो होगी हमारी लाइन वोल्टेज। अब इसी तरीके से करंट को देखते हैं तो आर लाइन से जाने वाली जो करंट होगी आई आर, वाई लाइन से जाने वाली करंट होगी आई वाई, और बी लाइन से जाने वाली करंट जो होगी वो होगी आई बी। तो इसको भी यहाँ पे अगर हम लिख के आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई एल, यानी लाइन करंट। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइन से फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो हमारी क्या होती है, लाइन करंट होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि लाइन करंट किसे कहते हैं एंड लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं। ये चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, डेफिनेशन यही होती है। अब देखते हैं फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस है इस वाइंडिंग में जेड पी एच, यहाँ पे भी जेड पी एच और यहाँ पे भी जेड पी एच। तो अगर हम इस फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखें तो वो होगा वी आर एन, और इस फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज करें तो क्या होगा, बी वी बी एन। इसी तरीके से इस फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज देखें तो होगा वी वाई एन। तो अगर हम इसको लिख के वी आर एन इक्वल टू वी बी एन इक्वल टू वी वाई एन इक्वल टू फेज वोल्टेज। और तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है,
किसी भी फेज इंपीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो हमारी होती है फेज वोल्टेज, या हम यहां ये भी कह सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज है, लाइन और न्यूट्रल के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारी, वो हमारी क्या होगी? फेज वोल्टेज होगी। अब बात आती है फेज करंट की, तो इस फेज इंपीडेंस से हमारी फ्लो होने वाली करंट होगी आई आर एन। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से फ्लो होगी आई बी एन और यहां से फ्लो होगी आई वाई एन। तो इसको अगर हम लिखे आई आर एन इक्वल टू आई बी एन इक्वल टू आई वाई एन इक्वल टू फेज करंट, यानी किसी भी फेज इंपीडेंस से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो हमारी होगी फेज करंट। तो आई होप कि आप लोगों को फेज वोल्टेज एंड फेज करंट क्लियर हो गया होगा। तो अब ये तो बात हो गई हमारे फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट की। अब देखते हैं रिलेशन, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और जहां हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो हमारी ये लाइन करंट है, ये करंट इस लाइन से फ्लो होते होते वही करंट हमारी इस फेज इंपीडेंस से फ्लो हो रही है, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लाइन करंट जो हमारी आर लाइन से फ्लो हो रही है वही हमारे इस फेज इंपीडेंस से फ्लो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें बी लाइन में फ्लो होने वाली आई बी करंट, सेम वही करंट हमारी फेज इंपीडेंस से फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है, यानी हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। बाकी बचा क्या? फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच रिलेशन को निकालने के लिए हमें वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, जस्ट हम एक रिलेशन लिखते हैं, जो कि रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री फेज वोल्टेज, यानी वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वी पी एच। तो दोस्तों ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। अब आगे हम देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन को समझने के लिए भी हम वही वाइंडिंग का यूज करते हैं, ये हमारे पास तीनों वाइंडिंग है। अब डेल्टा कनेक्शन बनता कैसे है, यानी पहली वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट दूसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से मिले, दूसरी वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट तीसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से, और तीसरी वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट पहली वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से मिले, और जो हमारे बचे हुए तीन पॉइंट हैं इनको हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा होता है डेल्टा कनेक्शन। अब इसको हम डेल्टा फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास तीन वाइंडिंग है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो पहली वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट दूसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, दूसरी वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट तीसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से, और तीसरी वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट पहली वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से है, और इन तीनों को हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आर है, ये वाई है, और ये बी लाइन है। तो अब हम इसमें देखते हैं लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, या लाइन करंट एंड फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। तो सेम स्टार कनेक्शन की तरह ही क्या होगा हमारा, कि दो लाइनों के बीच जो वोल्टेज होगी वो हमारी लाइन वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे वी आर वाई, आर और वाई लाइन के बीच वोल्टेज है, वाई और बी लाइन के बीच वी वाई बी है, और बी और आर लाइन के बीच की जो वोल्टेज है वी बी आर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वी आर वाई इजक्वल टू वी वाई बी इजक्वल टू वी बी आर इजक्वल टू वी एल, यानी लाइन वोल्टेज। तो किन्हीं दो लाइनों के बीच की जो वोल्टेज होगी वो हमारी लाइन वोल्टेज होगी, जैसा कि हमने स्टार कनेक्शन में देखा था। इसके बाद लाइन करंट आर लाइन से आई आर जाएगा, वाई लाइन से आई वाई होगा, और आई बी बी लाइन से होगा। तो ये हमारी होगी लाइन करंट, आई आर इजक्वल टू आई वाई इजक्वल टू आई बी इजक्वल टू आई एल, यानी लाइन करंट, यानी किसी भी लाइन से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो लाइन करंट होगी। अब देखते हैं फेज वोल्टेज, यानी किसी भी फेज इंपीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारी होगी फेज वोल्टेज। तो इस फेज इंपीडेंस के अक्रॉस होगी वी आर वाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो वी वाई बी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो वी बी आर वोल्टेज होगी। तो वी आर वाई टू वी वाई बी इक्वल टू वी आर इक्वल टू फेज वोल्टेज, यानी किसी भी फेज इंपीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारी होगी फेज वोल्टेज, और किस इन फेज इंपीडेंस से फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो हमारी होती है फेज करंट, यानी इससे फ्लो होने वाली आई आर वाई,
और इसमें फ्लो होने वाली आई वाई बी और इस फेज इंपिडेंस से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो आई बी आर होगी। तो इस तरीके से आई आर वाई इक्वल टू आई बी आर इक्वल टू आई वाई बी इक्वल टू फेज करंट, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू फेज इंपिडेंस इज कॉल्ड फेज करंट। ओके, अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो वोल्टेज हमारा आर लाइन और वाई लाइन के बीच में वी आर वाई है, वही वोल्टेज हमारा आर लाइन और वाई लाइन यानी यहां पे है, तो वी आर वाई और यहां भी वी आर वाई। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आर और बी लाइन के बीच में वोल्टेज है वी बी आर, ये लाइन वोल्टेज है, और अगर हम फेज इंपीडेंस इसमें देखें तो वी बी आर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज हमारी लाइन वोल्टेज है वही हमारी फेज वोल्टेज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होती है, बाकी बचा लाइन करंट एंड फेज करंट, तो उसका रिलेशन वही वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा जहां से हमें रिलेशन मिलेगा। तो हम यहां पे सीधे ही लिख दिए हैं कि आई एल इक्वल टू रूट थ्री आई पी एच, यानी लाइन करंट इक्वल टू रूट थ्री फेज करंट। तो दोस्तों ये था हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, तो वो आप जरूर पूछिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मेरी वीडियोस के मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।